आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं MMC न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अच्छी और सच्ची खबरें आपको सबसे पहले मिल सकें। हरियाणा में खाप पंचायतों का बड़ा ऐलान। हरियाणा में हिंदू मुस्लिम शादी के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। हिंदू मुस्लिम शादी को कहा जिहाद। हरियाणा में खाप पंचायतों ने क्या लिया फैसला, इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान एक बैनुल मजाहिब मुल्क है जहां सिर्फ हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि बहुत सारी कौमें आबाद हैं। मुगलिया अहद में भी हर मजाहिब के लोग रहते थे और अपने मजाहिब पर अमल करते थे। इस दौर में भी हिंदू और मुस्लिम के दरमियान शादियां होती थीं और अब भी हो रही हैं, लेकिन नफरत और सियासत के खिलाड़ियों ने अपनी सियासत और अपने मुफाद के लिए शादी जैसी खुशी को नफरत में तब्दील कर दिया है। मेवात में हुई एक हिंदू मुस्लिम शादी पर हंगामा बरपा है। हंगामा कई दिनों से जारी है जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस शादी को तब्दीली मजहब का नाम दिया जा रहा है। हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की कई खाप पंचायतों के चौधरी और हिंदू तंजीमों ने इतवार को मेवात के फिरोजपुर झिरका में महापंचायत का इनेकाद किया, जिसमें हिंदू मुस्लिम शादी को जिहाद करार दिया गया है और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद की गई है। दरअसल यहाँ की एक हिंदू लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है, जिसके बाद ये हंगामा आराई जारी है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, सैकड़ों ऐसे केस मौजूद हैं जिसमें हिंदू लड़के ने मुस्लिम लड़की के साथ और मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की के साथ शादी की है, लेकिन अब इसको जिहाद का नाम दिया जा रहा है। महापंचायत में इत्तेफाक राय से ऐलान किया गया है कि अगर 28 अगस्त तक लड़की वापस नहीं आती तो वजीर आला की तरफ से चलाई जा रही आशीर्वाद यात्रा की मुखालफत की जाएगी। इस पंचायत में इश्तियाल अंगेज बातें की गईं और कहा गया कि बात सिर्फ मेवात की नहीं है बल्कि कई सूबों में इस किस्म की शादियां हो रही हैं जिनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। उन्होंने ऐलान किया है कि इसके खिलाफ मूलगीर सतह पर तहरीक चलाई जाएगी। इस पंचायत में ये भी आवाज़ बुलंद की गई है कि मेवात में जो हिंदू आबाद हैं उन्हें अकलियत का दर्जा दिया जाए क्योंकि वो तादाद में कम हैं। इसमें यह भी मुतालबा किया गया है कि तब्दीली मजहब को रोकने के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतें सख्त कानून बनाएं। इस महापंचायत में 54 खापों ने हिस्सा लिया और अपनी राय पेश की। इस मौके पर पुलिस इंतजामिया की सख्त नज़र थी ताकि कोई बात न होने पाए, लेकिन खाप पंचायत ने जो ऐलान किया है उसको लेकर लोग तश्वीश में मुब्तला हैं। सवाल ये है कि इसको इस तरह मजहबी रंग क्यों दिया जा रहा है, जबकि जदीद दौर में कि जब लोग इस बात के लिए आज़ाद हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं, तो फिर इस किस्म की बातें क्यों हो रही हैं और क्यों फसाद बरपा करने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा में कहीं ये सब कुछ इलेक्शन होने के सबब तो नहीं है, क्योंकि हरियाणा में बहुत जल्द अब असेंबली इंतखाबात होने हैं और उसको लेकर के हरियाणा में सियासत गर्म है। जाहिर है कि अगर ये सियासत की वजह से हो रहा है तो इससे ज्यादा अफसोसनाक बात कोई नहीं हो सकती। डॉक्टर नासर खातून, रिजविक रिपोर्ट, MMC न्यूज इंडिया, नई दिल्ली। तो नाजीन, हम फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए MMC न्यूज इंडिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।